इन्होंने अपनी भावनाएं राष्ट्र के प्रति अर्पित की, चाहे जो कहे राजनीति, चाहे जो कहे, लेकिन जहां हम बैठे हैं एक जिम्मेदार ये हमारे सिपाही हैं कि होठों पर मुस्कान जरूरी है साहब, होठों पर मुस्कान जरूरी है साहब, पत्थर में भी जान जरूरी है साहब, अरे उनको केवल जाति धर्म की चाहत है, हमको हिंदुस्तान जरूरी है, हमको हिंदुस्तान जरूरी है साहब। हमारे बीच में पेशे से शिक्षक डॉक्टर प्रशांत सिंह जी बैठे हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप गीत गजलों के साथ आए, श्रृंगार बढ़ते हैं। किसी ने लिखा है कि गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, टूटकर हम उसी दिन बिखर जाएंगे, आप बैठे रहो आईने की तरह, आपको देखकर हम समर जाएंगे। काशी की धरती पे हूँ, काशी के बारे में कहा भी गया है, काशी प्रकाश थे आठ तत्वम ब्रह्म तत्वम यश्याम इति काशी। लेकिन अगर थोड़ा हल्के शब्दों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं जहां गालियों में अलंकार मिला है, जहां गालियों में अलंकार मिला है, जहां अखरपन आधारशिला है, शिवरात्रि की ऐसी रात कहां है, साधुओं के ऐसे भाग कहां है, मुंह में घुलता एक पान घुड़ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान। बिस्मिल्ला की शहनाई को देखो, शास्त्री की परछाई को देखो, तुलसी के वो छंद है काफी, हरिश्चंद्र के मन का द्वंद है काफी, स्वामी करपात्री जैसा ज्ञान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान। मैं सबको सादर प्रणाम करता हूं और एक कविता मैं आपको ही मैं समर्पित करता हूं। यहाँ पे देखिए, एनडीआरएफ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ जानते भी थे हम। हमने कल्पना की सबसे पहला एनडीआरएफ कब स्थापित हुआ रहा होगा, आप हमको डेट बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पहला जो कह सकते हैं आपदा प्रबंधन की बात करते हैं तो हम लोग त्रेता में चलते हैं। आपदा प्रबंधन कब हुआ था, जब राम सेतु बना था। वो कल्पना करना ही मुश्किल था कि कैसे हम लंका तक पहुंचे, और उस आपदा प्रबंधन की अगर बात करें तो उसको लीड कौन किया था, प्रभु श्री हनुमान जी ने उसको लीड किया था। उस पे मेरी एक रचना है सेतु बंधन, तो आज मैं यहाँ पे उसको सुनाना चाहूंगा। राम दिन कर भी है राम ही दिन दिखे, राम दिन कर भी है राम ही दिन दिखे, राम उत्तर भी है राम ही प्रश्न चिन्ह दिखे, भक्ति और भाव का प्रमाण एक पुल बना, त्याग और शौर का पर्याय रघुकुल बना, सागर की विशालता का दंभ तोड़ते चले, पहाड़ों पे राम लिखा छोड़ छोड़ते। नल नील वानरों सम खड़े एक पैर पर, पत्थर जुड़ते चले समुद्र पर तैर कर, राम स्वयं खड़े हुए कुछ सोच विचार कर, और फेंकने लगे पत्थर जो डूब गए हार कर। राम इस दृश्य पर पूर्णतः मौन थे, सोचा जो तैर रहे वो कौन है, जो तर गए वो कौन थे, हनुमान मुस्कुराने लगे प्रभु के संताप पे, फिर आया जवाब थोड़ा तोल थोड़ा नाप के, हनुमान जी बोलते हैं प्रभु आप अपने विचारों को थोड़ा मोड़ दें, डूबना है नियति राम जिसे छोड़ दे। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, एक नई कहानी सुनाता हूं। वानरों में जोश था लंका में हाहाकार था, वानरों में जोश था लंका में हाहाकार था, राम ही खबर बने चैनल लाख पार था, राक्षसों का डर रावण स्वयं गए देखने, पत्थरों पर रावण लिखा और लगे फेंकने, पत्थरों पर रावण लिखा और लगे फेंकने, वो भी तैरने लगे न जाने किस भाव से, सबको लगा चमत्कार हुआ दशानन के प्रभाव से, यह सब जानकर मंदोदरी डरने लगी, रावण समझ जा वो प्रश्न करने लगे। मंदोदरी जी बोलती है हे प्रभु आप दोनों के चमत्कार का कुछ तो संबंध है, भक्ति है भाव है किया क्या प्रबंध है। तीनों लोग थर्राते थे रावण के प्रताप से, फिर आया जवाब थोड़ा तोल थोड़ा नाप के, दशानन कहते हैं हे प्रिय अपने कुल को दिखा रहा मुक्ति का मैं रास्ता, पत्थरों से बस इतना कहा तैर जाओ राम का।
अपने कुल को दिखा रहा मुक्ति का मैं रास्ता, पत्थरों से बस इतना कहा तैर जाओ तुम्हें राम का है वास्ता। राम मरहम बने अहिल्या के घाव पर, राम अश्रु बने शबरी के भाव पर, राम सेतु बने वंचित और समाज मध्य, राम सेतु बने वनवास और राजमध्य। फिर शुरू हुआ युद्ध धर्म और धाम पे, वोट भी मांगे गए राम के नाम पे। संस्कार अशोक वाटिका में आज नजर बंद है, समाज फूल है तो शिक्षा मकरंद है, और कोरोना मरीज महंगाई में नाथ है। राम आप है और लक्ष्मण कर्ण बन साथ है, और शेषनाग बन ये वॉरियर्स उठाए सबका भार है, और जो ऑक्सीजन पहुंचा रहा वही पवन कुचलता है। राम साधना भी है, राम ही साध है, और जो आज है वही राम राज है, जो आज है वही राम राज है। थोड़ी सी हंसी ठिठोली भी हो जाए। एक मेरी रचना है व्हाट्सएप, आप लोग सब लोग जो है व्हाट्सएप बहुत यूज करते होंगे, जब वक्त पाते होंगे तो थोड़ी चीप रचना है कि वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज, वो पांचवों वाला रेगिस्तान में सांप मिला है, वो 90 साल के ताऊ को खोया बाप मिला है, वो हीरोइन को शाइन बाप गई थी, वो बाप की नीयत नहीं सही थी, वो मिर्चा संग नीम से कोरोना हारेगा, इस बार अमेरिका चीन में घुसकर मारेगा, इन बेहुदा खबरों का कैसे निवारण होगा, स्थिति विशुद्ध का व्हाट्सएप ही कारण। द्वापर में होता तो महाभारत इसी के कारण होता, शिशुपाल और शकुनी का ये सजीव उदाहरण होता। पितामह का स्टेटस हमेशा सिंगल होता भैया, पितामह का स्टेटस हमेशा सिंगल होता, और मोबाइल छीना जाता ना क्या गया पास के लिए कोई जंगल होता। कान्हा 24 घंटे ऑनलाइन रहते, वो 16,000 ग्रुप में ज्वाइन और खबरें कैसी चलती ध्यान दीजिएगा। वो कान्हा की डीपी अर्जुन संग दिखी है, वो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के लिए नई विल लिखी है, वो दुशासन का चरित्र थोड़ा गंदा है, वो शस्त्र ज्ञान जोड़ के लिए धंधा है, और कर्ण अछूत है क्योंकि आईफोन नहीं यूज किया है, कर्ण अछूत है क्योंकि आईफोन नहीं यूज किया है, एकलव ने ड्रोन का फोन ओएलएक्स से लिया है, वीवो से संजय को कुरुक्षेत्र की पिक लेनी है, और कौरवो ने फ्लिपकार्ट से खरीद कर ड्रेस पहनी है। इन खबरों का असर तब भी असाधारण होता, और महाभारत काल का भी व्हाट्सएप ही कारण था। और जो पंक्तियां है, कृष्ण ने नहीं कोई गीता सार दिया होता, कृष्ण ने नहीं कोई गीता सार दिया होता, कीपैड मोबाइल थमाया होता और पांडव का उद्धार किया।